यस वी कैन स्टूडेंट्स, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग स्टूडेंट्स। भगवान कृष्ण का मैसेज भगवद गीता का स्टूडेंट्स के लिए क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, डू यूर वर्क विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स रिजल्ट्स, यूर टाइम विल टीच यू एवरीथिंग, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लर्न फ्रॉम इट स्टूडेंट्स, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लर्न फ्रॉम इट्स। यही था आज का इंस्पिरेशन भरा मैसेज आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सीबीएसई मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 के बाद जो एग्जाम्पल्स हैं उसके पहले का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कशन करेंगे। फाइंड द जीरोस, हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बनाया था। अगर आपने स्टूडेंट्स किसी कारणवश अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दिया है मैंने, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड वेरीफाई जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल। स्टूडेंट्स, हियर यू हैव सीन इन दिस क्वेश्चन इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। स्टूडेंट्स, यहां पर आप जो इक्वेशन देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल। दोनों के बीच में रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्टली वी हैव राइट हियर इन दिस इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। के इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, फर्स्टली वी हैव राइट इन द क्वेश्चन इन द सॉल्यूशन बॉक्स, आफ्टर देन क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर, हमें फाइंड आउट करना है का वेरीफाई जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल में रिलेशन। सो रिलेशन क्या होता है का स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ हियर ए बी एंड सी इज, हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 1। व्हाई? बिकॉज नो कॉन्स्टेंट हियर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हियर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। सी का वैल्यू कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 12। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इतना नोट डाउन कर लिया है तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मूव कर रहे हैं, सो मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन आपको गिवन थी उसमें वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी हियर। सो आफ्टर देन द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट ए बी सी, वैल्यू ऑफ ए बी सी, वी हैव अप्लाइड द सम ऑफ जीरोस प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस प्रॉपर्टी। हियर वी हैव राइट सम ऑफ जीरोस, ओके, सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ जीरोस इज, अल्फा प्लस बीटा, ओके स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए। सो स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए, हियर द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 7, ओके, अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी माइनस 7। आफ्टर देन वी हैव अप्लाइड इन एनी क्वेश्चन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, ओके स्टूडेंट्स। सो वी हैव rough in this equation because we have no space, no more space, okay, products of zeros, okay students, product of zeros equal to alpha multiplication beta. What is the formula of product of zeros, c upon a, okay students, kya hota hai formula, c upon a, C upon A. देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, C का वैल्यू कितना था, 12 था, A का वैल्यू था 1,
सो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज विल बी 12. सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम वी हैव फाइंड आउट इन एनी क्वेश्चन रिलेटेड बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल. दिस टाइप ऑफ एनी क्वेश्चन यू हैव सॉल्व टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. दिस आर ओनली टू थ्योरम्स, टू स्टेटमेंट्स वी हैव फाइंड आउट एनी क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल. सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. So yes, we can, students. You can do anything and everything, students. अगर आप अभी तक हम आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए. स्टडी विथ मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको. तब तक के लिए आपका प्रेम पूर्वक हमारे संग बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Yes, we can, students.